दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल कंपनी के को-फाउंडर लैरी पेज के जीवन के बारे में, जिन्होंने सर्गी ब्रिन के साथ मिलकर दुनिया की सबसे सफल कंपनी और सबसे पॉपुलर सर्च इंजन गूगल बनाया। दोस्तों, इस बात से तो हम भलीभांति परिचित हैं कि गूगल ने आज हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी है। गूगल आज की तारीख में सबसे बड़ी सफल कंपनियों में से एक है और इस वजह से लैरी पेज और सर्गी ब्रिन सबसे सफल व्यवसायियों में गिने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं गूगल कंपनी की स्थापना करने वाले लैरी पेज के जीवन के बारे में। दोस्तों, लैरी पेज का पूरा नाम लॉरेंस लैरी पेज है। इनका जन्म 26 मार्च 1973 को अमेरिका के मिशिगन शहर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। लैरी पेज के पिता का नाम कार्ल विक्टर पेज और मां का नाम ग्लोरिया पेज था। लैरी पेज के माता पिता दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे और इसी वजह से आमतौर पर उनके घर में कंप्यूटर साइंस की मैगजीन बिखरी हुई रहती थी और इसी इन्वायरमेंट में पले बड़े होने की वजह से लैरी पेज को बचपन से ही कंप्यूटर में काफी रुचि हो गई। लैरी पेज ने बहुत छोटी उम्र में चीजों को खोलना शुरू कर दिया था क्योंकि वो जानना चाहते थे कि कोई भी चीज आखिरकार काम कैसे करती है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने बहुत कम उम्र से ही यह महसूस कर लिया था कि मैं चीजों का आविष्कार करना चाहता हूँ और जब मैं 12 साल का था तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। लैरी पेज की शुरुआती पढ़ाई मॉन्टेसरी रेडमूर स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने 1991 में ईस्ट लांसिंग हाई स्कूल से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की और इसके बाद लैरी पेज ने पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां उनकी मुलाकात हुई गूगल के को-फाउंडर सर्गी ब्रिन से। यहां दोनों ने पीएचडी में अपना विषय वर्ल्ड वाइड वेब को चुना। दोस्तों, उस वक्त इंटरनेट के नाम पर सिर्फ दो ही सर्च इंजन मौजूद थे, एक याहू और दूसरा एक्साइट। लेकिन इन दोनों पर किसी जानकारी को ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था और फिर भी जानकारी सही से नहीं मिल पाती थी और धीरे धीरे और भी सर्च इंजन मार्केट में आने लगे, लेकिन सभी एक जैसे ही थे, जिनमें सबसे टॉप पर चल रहा था याहू। यही दोस्तों लैरी पेज और सर्गी ब्रिन एक ऐसी एल्गोरिथम की खोज करने में लग गए जिसमें सारी वेबसाइट को एक साथ लेके आ सके और उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पर उनके पेज को रैंकिंग दी जा सके। उन दोनों ने अगले 4 साल तक इस एल्गोरिथम को बनाने के लिए दिन रात रात दिन एक कर दिया और आखिरकार सितंबर 1996 में उन्होंने ऐसा एल्गोरिथम बना दिया जिसमें बहुत सारी खूबियां थी। दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूँ, गूगल का नाम गणित के एक शब्द गूगल से लिया गया है जिसका मतलब होता है एक के पीछे 100 शून्य, लेकिन इसका डोमेन नेम रजिस्टर करते वक्त गलती से गूगल की जगह गूगल टाइप हो गया और फिर इसका नाम गूगल ही हो गया। इसके बाद इन दोनों ने अपने परिवार, रिश्तेदारों और इन्वेस्टरों से $10 लाख की फंडिंग इकट्ठा की और फिर 1998 में उन्होंने गूगल इंक कंपनी की स्थापना की। अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और एल्गोरिथम की वजह से गूगल बहुत जल्दी दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन बन गया और अब गूगल को चाहिए था कि वह अपनी इस लोकप्रियता को, अपने इस आइडिया को पैसे कमाने का जरिया कैसे बनाए, तो इसके लिए उन्होंने काफी सोचा और फिर गूगल एडवर्ड्स बनाया जिसमें एडवर्टाइजर किसी भी कीवर्ड्स पर बैड लगाए और जैसे ही कोई इस कीवर्ड को सर्च करे और एडवर्टाइजर का प्रोडक्ट गूगल के फ्रंट पेज में साइड बार में दिखने लग जाए और इसी तरह बैनर एड की सेवा भी शुरू की गई जिसमें एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट को एक इमेज के रूप में उस प्रोडक्ट से मिलती जुलती वेबसाइट पर दिखाया जा सके और बस यही आइडिया काम कर गया। और फिर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सफलताओं को हासिल किया। दोस्तों, गूगल का हेड ऑफिस अमेरिका के कैलिफोर्निया के माउंट व्यू में स्थित है। जब साल 2004 में गूगल का आईपीओ शेयर मार्केट में उतारा गया तो इन्वेस्टरों ने बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट किया और इसी तरह गूगल इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और गूगल को बनाने वाले लैरी पेज और सर्गी ब्रिन सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बन गए और जिन लोगों ने गूगल के शेयर खरीदे थे आज वो भी माला माल है। और 14 नवंबर 2006 को गूगल ने आज के सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब को भी खरीद लिया था और जो आज दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गूगल के पास अभी 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं और आज दुनिया भर में मोबाइल में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है जो कि 30 अप्रैल 2009 को गूगल ने लॉन्च किया था। दोस्तों, लैरी पेज की कुल संपत्ति $83.6 बिलियन है और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में उनका नाम 8वें नंबर पर आता है। दोस्तों, अगर हम बात करें गूगल की तो शायद ही कोई कंपनी होगी जो हमें इतना फायदा देती है। गूगल का फोटो बैकअप एप्लीकेशन सारी दुनिया के लिए फ्री है, मैप सारी दुनिया के लिए फ्री है। अगर वे इसके भी पैसे लेने लग जाए तो न जाने गूगल कितना पैसा कमा लेगा। लेकिन लैरी पेज एक अच्छे साधारण स्वभाव के इंसान है जिनसे हमें बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलती है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, हमारे चैनल पर हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।